अच्छा, तो ये हमारे पास फेडरल बुक लाइन के एमसीक्यूज हैं मेनली। इसमें हमारे पास फेडरल से ज़्यादा लाइंस ली गई हैं। ओके, फर्स्ट वन है कि द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। नो, इन फेडरल बुक में हमारे पास लिखा हुआ है कि इट अब्जॉर्ब मेनली हमारे पास 380 से 750 नैनोमीटर हमारे पास, ठीक है। फिर है कि द मोस्ट इफेक्टिव वेव लेंथ ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस दैट इज़ फ्रॉम 430 से 670 नैनोमीटर। द लीस्ट अब्जॉर्ब, वो हमारे पास ग्रीन एंड येलो है हमारे पास लीस्ट अब्जॉर्ब, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन हमने इसमें ढूंढना है। अच्छा, चूज द करेक्ट। फर्स्ट है क्लोरोफिल ए इज़ ब्लूइश ग्रीन। यस, क्लोरोफिल ए इज़ ब्लूइश एंड क्लोरोफिल बी इज़ येलोइश ग्रीन। सो बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ वन है कि द पायरोल रिंग कंसिस्ट। पायरोल रिंग जो होता है ना, वो फाइव कार्नर्ड रिंग होता है, उसमें चार कार्बन और एक नाइट्रोजन होता है। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर है हमारे पास कि कैरोटीन अब्जॉर्ब मेनली। कैरोटीन हमारे पास मेनली अब्जॉर्ब करता है ब्लू वायलेट रेंज में हमारे पास, ठीक है। ल्यूथिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड डैश पिगमेंट। सो ल्यूथिन जो है ना, डैश जेंथोफिल का पिगमेंट है हमारे पास, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी आर। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फेडरल बुक लाइन में लिखा गया है वायलेट ब्लू जो कि 400 से 470 एंड ऑरेंज रेड 630 से 660। सो बोथ हमारे पास करेक्ट है इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है एयर कंटेन अबाउट डैश परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो 0.03 से 0.04 हमारे पास, यानी ई ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं पेन ले लूँ, इसमें हमारे पास ई वाला ऑप्शन नाइन्थ में करेक्ट हो जाएगा। लैंड प्लांट एटमोसफेयर कार्बन डाइऑक्साइड वाले एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट कार्बोनेट ऑल ऑफ दीज करेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द लोअर रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस हमारे पास। फर्स्ट वन है कि टू हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर आर टेकन अप, ये करेक्ट है हमारे पास। एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन इसी से रिलीज होता है। सो ऑल सारे हमारे पास करेक्ट हैं। ट्वेल्थ वन है डैश फोटोन कैन एक्साइट टू इलेक्ट्रॉन इन फोटो सिस्टम हमारे पास। सो टू फोटोन कैन एक्साइट टू इलेक्ट्रॉन। 13वां है हमारे पास कि चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो इसमें हमारे पास H2O फोटोलाइसिस होती है, टू हाइड्रोजन आयन, टू इलेक्ट्रॉन एंड हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी एक ऑक्सीजन। तो ये हमारे ए वाला ही करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। फिर है कि द साइटोक्रोम कम्प्लेक्सेज आर। सो साइटोक्रोम कम्प्लेक्सेज जो होते हैं ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होते हैं, प्रोटॉन पंप भी होते हैं। तो बोथ द साइटोक्रोम कम्प्लेक्स पंप प्रोटॉन फ्रॉम डैश टू डैश। जो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स पंप होते हैं ना, वो हमारे पास कहाँ से कहाँ भेजते हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं, स्ट्रोमा से इनर साइड पे हमारे पास भेजते हैं, ठीक है। एंड इन फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रोटॉन मूव बैक इनटू डैश फ्रॉम डैश टू सिंथेसिस। अच्छा, फोटोफॉस्फोरिलेशन, फिर फोटोफॉस्फोरिलेशन जहाँ पे हमारे पास एटीपी बनती है ना, वहाँ पे हमारे पास फिर थैलाकॉइड इनर स्पेस से फिर वो बाहर जा रहे होते हैं एटीपी बनाने के लिए। सही, उस जब बाहर जाते हैं फोर हाइड्रोजन आयन पंप जाते हैं तो एक एटीपी हमारे पास बनता है। कीमो ऑस्मोसिस इंक्लूड हमारे पास। सो इट इंक्लूड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, जनरेशन ऑफ एटीपी, ऑल ऑफ दी। डैश आर द फैक्टर व्हिच शिफ्ट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टू साइक्लिक। इंक्रीज इन एडीपीएच, क्या इंक्रीज, यस, वो जब ज़्यादा होगा तो हमें एटीपी ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से हमारे पास साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा। डिक्रीज नंबर ऑफ एटीपी, यस। सो दोनों हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। फिर है इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन डैश इज इन्वॉल्व। साइक्लिक में फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नो, फोटो सिस्टम वन फेरोडॉक्सिन साइटोक्रोम B6 प्लास्टोसेन इन करेक्ट है। व्हेन इलेक्ट्रॉन आर पास फ्रॉम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ATP आर जनरेटेड बाय, ये भी करेक्ट है। द इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक इन टू P700 यानी P1, ये भी करेक्ट है। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। All of the following are related to cyclic light reaction except photosystem 1, yes, only ATP, yes, no NADP, yes, no photolysis, ये सारी बातें हमारे पास correct है, कोई भी wrong नहीं है, ठीक है, all of these are correct. अच्छा, फिर हमारे पास द रॉ मटीरियल फॉर द डार्क रिएक्शन CO2 NADPH ATP ऑल ऑफ दिस, सारे हमारे पास रॉ मटीरियल हैं केल्विन साइकिल के लिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू केल्विन साइकिल एक्सेप्ट, एक हमारे पास रिलेट नहीं है, कौन सा, कार्बन फिक्सेशन रिडक्शन रिजनरेशन ऑफ RUB, ये भी हमारे पास सारे रिलेट है। सो ऑल ऑफ दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। सो RUBP जो है ना, वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। इन रिडक्शन फेज 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट रिएक्ट विद 6 ATP मॉलिक्यूल के साथ, ये हमारे पास रिएक्ट करते हैं, ठीक है।
choose the correct option. 3 RuBb are generated from 5 G3P molecule. Yes, ये correct है हमारे पास, ठीक है. फिर है 5 G3P molecule react to produce 3 RuBb, ये भी correct है. 3 ATP react with RuBb to form 3 RuBp, ये भी हमारे पास correct है, ठीक है. 3 regeneration of RuBp में 3 ATP लगते हैं, all of these हमारे पास इसमें correct हो जाएगा. फिर है हमारे पास के the raw material for the synthesis of one net G3P is, सो इसमें हमारे पास 3 मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लगते हैं, 6 मालिक्यूल ऑफ NADPH और 9 मालिक्यूल ऑफ ATP. सो ऑल ये भी हमारे पास सारे करेक्ट है. इन एरोबिक रिस्पायरेशन इन प्रोक्रियाट वन ग्लूकोज मालिक्यूल गिव राइज टू डैश नेट ATP मालिक्यूल. सो 38 ATP आई थिंक ये हमने पहले भी किया था, ठीक है. इन एरोबिक रिस्पायरेशन वन ग्लूकोज मालिक्यूल गिव राइज टू 36 नेट ATP हमारे पास देता है, ठीक है. अच्छा फिर है हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. नो ग्लूकोस पहले पाइरूविक एसिड में टूटते ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है. सॉरी चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे पास. सो कौन सा हमारे पास करेक्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए. फर्स्ट वन हमारे पास रिएक्शन क्या है के C6H12O, ठीक है. 2NAD हमारे पास, 2C3H4O 2NADH, ये भी करेक्ट है हमारे पास लैक्टिक एसिड के लिए. फिर यही जो पाइरूवेट होता है ये लेते हैं और हमारे पास 2C3H6O3 बनाते हैं हमारे पास, ये भी करेक्ट है. तो दोनों रिएक्शन ये फर्स्ट स्टेप है और ये फिर दूसरा, तो बोथ एंड भी हमारे पास. चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. कौन सी बात हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में करेक्ट है. इसमें भी पहले हमारे पास ये पहला रिएक्शन तो होगा ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है. सो ये होता है, उसके बाद ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. सो बोथ, इसमें भी बोथ ऑप्शन करेक्ट है. द पे ऑफ फेज इन ग्लाइकोलाइसिस इज, सो पे ऑफ फेज जो है ना वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज. पे ऑफ फेज है ना हमारे पास, एक मिनट. अच्छा हमारे पास है कि पे ऑफ फेज जो होता है ना वो हमारे पास पे ऑफ फेज इन ग्लाइकोलाइसिस इज प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि उसमें हम ATP यूज करते हैं, ठीक है. सो पे ऑफ जो फेज है वो हमारे पास प्रिपरेटरी फेज में आता है, ठीक है. इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें हमारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पे ऑफ फेज जो है ना वो हमारे पास प्रिपरेटरी फेज में आता है. नहीं ना, देखो ना हम रॉन्ग हो गए. पे ऑफ फेज होता है जिसमें वो हमें देते हैं ATP, ठीक है. सो पे ऑफ फेज इन ग्लाइकोलाइसिस इज, सो पे ऑफ फेज एक प्रिपरेटरी फेज होता है ना, और दूसरा हमारे पास पे ऑफ फेज होता है सेकंड वन, या वो उसको हम ऑक्सीडेटिव फेज भी कहते हैं, ठीक है. तो द पे ऑफ फेज इन ग्लाइकोलाइसिस इज ऑक्सीडेटिव फेज हमारे पास करेक्ट है. प्रिपरेटरी फेज तो पहले वन होता है जिसमें वो प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है. उसमें तो ATP हमसे यूज होते हैं, और जो दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज, उसमें ओनली ATP हमारे पास बल्कि प्रोड्यूस नहीं होते, वहाँ पे हमारे पास NADPH भी वो हमें देते हैं, ठीक है. तो इसलिए हम उसको पे ऑफ फेज फिर कहते हैं. नो, इसमें हमारे पास ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. अच्छा फिर हमारे पास है कि ATP आर फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलाइसिस थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन. द ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन एज EMP पाथवे बिकॉज, क्योंकि इसको 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एम्बन मेरन मर्चन ऑफ पेरनॉस, ऑल ऑफ दिस, इसलिए EMP हम पे इसको कहते हैं. सो इसमें डी हो जाएगा हमारे पास. द डायरेक्ट सिंथिस ऑफ ATP फ्रॉम ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड सब्सट्रेट इज कॉल्ड, सो दैट इज कॉल्ड सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. द टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन स्पिरेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर, कितने हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, 4 हमारे पास, ठीक है. चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. कौन सी बात हमारे पास करेक्ट है. नो, NADH dehydrogenase भी होता है, FADH dehydrogenase, cytochrome reductase, cytochrome oxidase, all of this. Choose the correct sequence. अब sequence हमने इनका बताना है, ठीक है. नो, हमारे पास NADH होता है पहले, फिर FADH, फिर coenzyme Q, फिर reductase, फिर cytochrome C और फिर cytochrome oxidase. ये ऑप्शन ही हमारे पास correct है, ठीक है. NADH dehydrogenase, फिर FADH, फिर उसके बाद हमारे पास coenzyme Q, cytochrome reductase, फिर cytochrome C और फिर आखिर में cytochrome oxidase. नो, ये ऑप्शन इसमें हमारे पास correct हो जाएगा, ठीक है. Which one of the following component of electron transport chain are mobile? नो, coenzyme Q और cytochrome C, ये दोनों हमारे पास mobile होते हैं, ठीक है. नो, both B and C. नो, डी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. फिर है हमारे पास के डैश ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस बाय कीमो ऑस्मोसिस. सो कीमो ऑस्मोसिस के जरिए हमारे पास 32 ATP प्रोड्यूस होते हैं,
पुराने लास्ट लेक्चर में भी हमने बायो एनर्जेटिक एमसीक्यूज जो थे उसमें पढ़ा था, ठीक है, कि 10 एनएडीएच होते हैं ना, उसमें से दो ग्लाइकोलाइसिस से आते हैं, वो 4 एटीपी देते हैं, बाकी 8 है ना वो 3-3 एटीपी देते हैं, 8-3 24 हमारे पास, 24 और 4 28 ये हो गए, और 2 एफएडीएच के हो गए, 4 28 और 4 32, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास इसमें आ जाता है कि हाउ मैनी एटीपी आर सेंथिसाइज बाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वैसे तो 32 वो बन रहे थे ना, और 4 हमारे पास फिर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से आते हैं, तो वो हमारे पास फिर 36 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 40 में हमारे पास हाउ मैनी एटीपी सेंथिसाइज सबस्ट्रेट फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ए ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। 68, हाउ मैनी नेट ए टी पी इसने पूछा हुआ है, तो नेट तो हमारे पास 36 होते हैं ना, 36, 32 हमारे पास कीमोसमोसिस से पैदा हुए, और जो बाकी 4 बच गए वो हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, 2 ग्लाइकोलाइसिस में पैदा होते हैं और 2 हमारे पास क्रेब्स साइकिल में। अगर वो ओवरऑल पूछ लेना तो वैसे तो 6 फिर 4 ग्लाइकोलाइसिस में हो जाएंगे, और जो 2 ग्लाइकोलाइसिस के एनएडीएच के हैं तो 6 वो हो जाएंगे और 2 क्रेब्स साइकिल, तो वैसे तो हमारे पास 8 होते हैं टोटल, और 8 वो हो गए और 32 ये हो गए ना, तो हमारे पास टोटल 40 होते हैं ना, अगर वैसे ग्रास पूछ ले, बट फिर हम 38 लेते हैं क्योंकि इसके एनएडीएच तो हमें 2 देता है, 3 तो नहीं देता, और 2 फिर इधर हमारे पास यूज होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, तो वो फिर 36 हो जाते हैं नेट, ठीक है। 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए कैन गिव राइज टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, हमारे पास 12 एटीपी देता है एक क्रेब्स साइकिल में, क्योंकि ये 3 एनएडीएच देता है, एक एफएडीएच और एक एटीपी, 3 एनएडीएच 9 एटीपी देते हैं, एक एफएडीएच 2 देता है, तो और एक एटीपी इसका वैसे बनता है क्रेब्स साइकिल में, तो ये 12 हो गए। 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए गिव टू डैश टोटल एटीपी थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोरल, ऑक्सीडेटिव का मतलब है जो एनएडीएच और एफएडीएच, 3 एनएडीएच है ना, 9 एटीपी ये हो जाएंगे, और एक एफएडीएच है तो 2 एटीपी हो जाएंगे, तो 9 और 2 11, ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है हमारे पास हो गए 44 हो गया ना ए, अच्छा नौ हमारे पास 45 है, 45 में हमारे पास है कि 1 पाइरोवेट कैन यील्ड, 1 पाइरोवेट है ना, पाइरोवेट जाता है एसिटाइल में, एसिटाइल तो 12 दे रहा है, ऊपर हमने पढ़ा 1 पाइरोवेट एक एनएडीएच भी देता है लिंक रिएक्शन में, 12 और एक एनएडीएच 3 देगा, तो 12 जमा 3 15 हमारे पास हो गया, ठीक है। इसमें ए बी करेक्ट हो गया, 1 पाइरोवेट कैन यील्ड टोटल डैश एटीपी मॉलिक्यूल थ्रू ऑक्सीडेटिव। अच्छा, अब फिर ऑक्सीडेटिव की बात करें, ऑक्सीडेटिव में एनएडीएच और एफएडीएच आ जाएंगे, पाइरोवेट एक लिंक में एनएडीएच देता है, ठीक है, 3 एटीपी ये हो गए, और फिर एसिटाइल बन के 3 एनएडीएच क्रेब्स साइकिल में देता है, 3 3 9 9 एटीपी वो हो गए, 3 यहाँ पे लिंक वाले हो गए और 2 एफएडीएच वाले हो गए, ठीक है, 9 3 12 और 2 14 14 एटीपी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास 46 में करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग 1 क्रेब साइकिल हाउ मैनी ए टी पी आर प्रोड्यूस थ्रू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के जरिए ओनली 1 ए टी पी पैदा होता है, 1 ग्लूकोज मालिक्यूल के यील्ड डैश नेट ए टी पी थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अभी हमने पीछे पढ़ा कितने मालिक्यूल, 32, 10 NADH दे रहा था, ठीक है, उसमें से 2 NADH तो ग्लाइकोलाइसिस के, 4 ATP उसके हो जाएंगे, और 8 NADH वैसे हैं, तो वो 1 NADH 3 देते हैं ना, 8 3 24, और 2 FADH होते हैं एक ग्लूकोज के लिए, तो वो भी 4 हो गए, तो 24 4 28 4 32 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फेडरल बुक लाइन के मेनली MCQs, तो इनकी भी हमने डिस्कशन कर ली, यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।